नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। कोरोना वायरस के बाद जहां दूसरी एक भीषण आपदा आने वाली है जिसका नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको लेकर सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है, तो वही उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर दर्जनों से अधिक सक्रिय मामले मिल चुके हैं और राजधानी में पिछले कुछ दिनों में 800 विदेशी यात्री आए, उनमें से अधिकतर गायब हैं, उनकी जांच नहीं हो सकी है। इसको लेकर सरकार संवेदनशील हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को अलर्ट किया है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी लोग इन्फेक्टेड ना हो, इसको लेकर चिकित्सा प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। देखा जा रहा है सर, उत्तर प्रदेश में दर्जनों से अधिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले आ चुके हैं, इसको लेकर आपकी बलरामपुर में क्या तैयारी है? इस वेरिएंट को लेकर हमारे यहाँ जो है वो पूर्ण रूप से तैयारी, हमारे पीकू वार्ड तैयार हैं, हमारे पास जो है सिस्टम के अंदर जो है मैंने समान चीजों को वो करा है, हमारी टीमें जो लगातार सर्वे कर रही है और बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड के ऊपर मैंने टीमों को बढ़ा दिया है। आज तक बलरामपुर के अंदर इस तरीके के कोई केसेस नहीं निकले और मैं इसके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और शाम को मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ कि किस केस के ऊपर कितनी सैंपलिंग को कोई निगेटिव या पॉजिटिव केस तो नहीं आया।